तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक पर्सनल तालाब यानी कि एक प्राइवेट पॉन्ड। मजा आएगा ना? लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों बनवा रहे हैं। तो गाइस यार मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी बात बता देता हूँ, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि ये हम कर रहे हैं बेजुबान एनिमल्स के लिए। गाइस यार ये राजस्थान है और अभी जो टाइम चल रहा है ये है अप्रैल मार्च मई जून जुलाई का। गाइस यार ये टाइम आते आते हैं ना, जितने भी जलाशय हैं जितने भी नेचुरल जो पॉन्ड्स हैं जो तालाब से उन सबके अंदर से पानी सूख जाता है। जी हाँ गाइस, यहाँ तक कि हम इंसानों को भी ऐसे टाइम के अंदर पानी की अरेंजमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफों का बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप ऐसे में सोचो कि जो बेजुबान जानवर हैं जो चिड़ियाएं हैं जो पक्षी हैं जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं चाहे वो सांप हो मेंढक हो जो भी हैं वो ऐसे टाइम के अंदर पानी के लिए कितने ज्यादा परेशान होते होंगे। मैं तो ये सोच के ही अचंभे में रहता हूँ यार कि यहाँ दूर दूर तक पानी है ही नहीं तो वो पानी पीते कहाँ से होंगे यार। तो गाइस यार बस इसीलिए हम अपने खेत के अंदर ही एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाने वाले हैं जानवरों के लिए, ताकि जब तक बरसात ना आए जब तक मानसून का सीजन फिर से ना आ जाए बारिश ना हो जाए और फिर से जो नेचुरल डैम्स है नेचुरल जलाशय हैं वो भर जाए तब तक जितने भी बेजुबान जानवर हैं वो आए यहाँ पे और अपनी प्यास बुझा के जाए। बताओ यार इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि पहले के टाइम में जब मैं इस काबिल नहीं था तब मैं सोचता था यार कि जब हम छाड़ी बकरियाँ और वो चराने के लिए जाते थे भाई पहाड़ों के अंदर जब हम जाते थे ना तब मुझे पता है कि पानी खोजना कितना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन आई होप कि हमारी इस छोटी सी कोशिश से काफ़ी सारे बेजुबान जानवर को परेशानी नहीं होगी और उन्हें सही से सही जगह पर पानी मिल जाएगा। गाइस यार ये पहाड़ी लोकेशंस है, यहाँ पर जो है बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं तो आई थिंक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और बस यार यही कहूँगा कि मैं भले ही पूरी दुनिया तो नहीं बदल सकता हूँ सब कुछ अच्छा तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ ना उतना मैं करने की हमेशा कोशिश करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ में हमारा साथ दें। साथ कैसे देंगे? कुछ नहीं यार, बस इस वीडियो को लाइक कर दो और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो फटाफट से इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। चलो शुरू करते हैं। गाइस तैयार हो? तैयार। तो गाइस यार हमारा जो तालाब होगा उसे हम कच्चा नहीं भरेंगे क्योंकि अगर कच्चा बनाया तो पानी हम भरेंगे तो वो रिस जाएगा, इसीलिए हम उसे पक्का मजबूत कंक्रीट से बनाएंगे। इसीलिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। विक्रम छर्रा लेके आना है यानी कि कंक्रीट छोटे छोटे पत्थर लेके आना है। गोविंद तुम जाओ वो सारी चीजें लेके आओ और हम लोग सीमेंट लेके आते हैं और बाकी ईंटों की व्यवस्था तुम करो। ठीक है चलो चलो शुरू करते हैं। यार यहाँ पे इस जगह पे अपन बनाने वाले हैं आर्टिफिशियल अपना जो तालाब है वो, और ये जो जगह है भैया अपनी खुद की है तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। सरकारी जमीन पे हम ये चीज नहीं कर रहे हैं, ये हमारी खुद की जगह है और खुद की जगह के अंदर ही हम ये तालाब बनाने वाले हैं। तो गाइस यार एक बड़ा सा गोला बनाएंगे, आइडिया तो यही है, उसको इतना गहरा रखेंगे फिर हमें इसे जानवरों के या फिर जो भी पक्षी पक्षी या फिर चिड़िया है उनके पानी पीने के लिए बनाना ना कि इसे स्विमिंग पूल में, इसलिए ज्यादा गहरा नहीं रखेंगे और टाइम टू टाइम इसे रिफिल करेंगे। तो यही कहीं पे मोटे जहाँ पे तुझे ठीक लग रहा है वहाँ पे है ना बॉर्डर बनाया है ना गाड़ी पिछले दिनेश यहाँ पे बनाते हैं। गाइस ईंटें आ गई है और उसके लिए थोड़ा रास्ता सही कर रहे हैं अभी। ओए इटे उतारो तुम लोग, आप लोग सीमेंट लेके आते हैं। चल चल सीमेंट लेके चलो, आ जा गोविंद आ जा। हाँ मनीष खाने की व्यवस्था भी कर लियो, आज खाने का पता नहीं है क्या है, मैंने खाया ही नहीं कुछ भी सुबह से, बैग करवा लेता हूँ वहीं खाएंगे। चलो सीमेंट भरो। चलो 10 कट्टे सीमेंट। तारा भाई चमन 10 कट्टा कम ना पड़ जे? कौन बड़े कम मोकड़े तो? वाह कम तो पड़ गया। तो थारो नंबर है, पैदल मत तेरा कल्याण पड़े लो। वाह
गाइस इसके लिए हमें जेसीबी की भी जरूरत पड़ेगी और फाइनली अपनी जेसीबी भी आ गई है, वो आ रही है पीछे पीछे। जेसीबी से इतनी इतनी या फिर जितनी जरूरत है उतनी खुदाई करेंगे, उसके बाद में उसे सही करेंगे और फिर उसे कंक्रीट से पक्का कर देंगे। आइडिया तो यही है। और एक और चीज चाहिए, अरे वो मशीन भी तो चाहिए, वो गोल गोल घूमती है जो, वो हमारे पास खुद की है तो कोई टेंशन नहीं, हमारे ऐसे काम पड़ते रहते हैं। पानी का टैंकर भी आ चुका है क्योंकि इतना सारा काम करने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी, तो एक टैंकर हमने बुला लिया यहाँ पे, वो यहीं पे खड़ा रहेगा जब तक काम चलेगा तब तक। गाइस जेसीबी बहुत काम आती है, वो यहाँ पे ढलान इतनी है कि टैंकर सीधा आ नहीं सकता, तो अभी जेसीबी से उसको सही करवाते हैं और फिर उसको नीचे लेके आते हैं। ये मोटा ऑलराउंडर है, वहां से उतर नहीं रहा था, मेरे का भाई तू मत चला, जिसका उसको चलाने दे, लेकिन काम ये का मानता है। चमन पाउडर चला, लगा पाउडर। भाई जेसीबी को बुला फटाफट, और भाई जेसीबी आजा, भाई आजा। गाइस जेसीबी का काम कंप्लीट हो चुका है और अब पावडर की सहायता से इसको प्लेन करते हैं। अरे आ जाओ क्या खड़े हो, आ जाओ आ जाओ। तो गाइस ये फालतू की जो मिट्टी पड़ी है उसको अपन चोरस करवा रहे हैं, पूरा जितनी एक्स्ट्रा पड़ी है साइड में उसको सारा जेसीबी की सहायता से चोरस करवा रहे हैं। प्लेन प्लेन चोरस का मतलब प्लेन, हमारे मारवाड़ी में बोलते प्लेन करवा रहे भाई। कंक्रीट आ चुकी है विक्रम, लिया जल्दी, अरे आड़ दे आड़ दे, कंक्रीट आ चुकी है, फटाफट मसाला मिला के काम करेंगे भाई। तो गाइस लगभग सारा सामान आ चुका है, जो कंक्रीट है वो अभी खाली हो रही है। लाइट का भी जुगाड़ हो गया हमारे यहाँ पे, तो दोस्तों अब सीमेंट खाली कर देते हैं। तो गाइस हमारी मिक्सर मशीन आ चुकी है, आजा भाई जीतो आजा। हेलो तो भाई लोगों, हम अब कंक्रीट और मिट्टी और सब सीमेंट अब मिलाएंगे, और ये अपना पीछे देख रहे हो खड्डा, इसको बिल्कुल प्लेन करेंगे पहले कंक्रीट से और फिर उसके ऊपर खेली बनाएंगे, बड़ा सा तालाब। प्रोजेक्ट इंजीनियर है, इंजीनियर साहब इधर आओ, बताओ किस हिसाब से मसाला डाल रहे हो, कैसे क्या बना रहे हो? मसाला इस हिसाब से बन रहा है भाई, देख 12 तगारी तो बजरी की, 12 तगारी बजरी और 16 तगारी छर्रे की, 16 तगारी छर्रे की, एक कट्टा सीमेंट का और बाकी मैं हूँ जो इधर आ रहा हूँ, और बाकी ये है और ये मिक्सी घुमा रही है, और उसके बाद फाइनली बन के तैयार होती है हमारी खिचड़ी सीमेंट की खिचड़ी। इसके अंदर कंक्रीट बिछा रहे हैं ताकि इसके अंदर हम जो पानी भरेंगे वो रिसे ना, और हमारे हर प्रोजेक्ट की तरह ये प्रोजेक्ट भी एक दिन के अंदर खत्म नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ये एक हफ्ते के अंदर भी खत्म हो जाएगा, हमें डेली काम करना होगा तब जाके हम इसे फाइनली सक्सेसफुली बना पाएंगे, क्योंकि ये जो कंक्रीट है इसे सूखने में भी टाइम लगेगा, इसके बाद में उसके ऊपर एक और लेयर की जाएगी ताकि पानी बिल्कुल भी ना रिसे, और चारों तरफ बाउंड्री भी की जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इलाका है ये चारों तरफ से खुला है, यानी कि यहाँ पर जो है चारों तरफ से जानवर पक्षी
जो भी छोटे मोटे जानवर रहते हैं वो सभी आ सकते हैं यहाँ पे पानी पीने के लिए। उधर देखो उधर पहाड़ है और उधर कहीं पे भी ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ तक पर कि वो अभी पानी पी सके, इसीलिए ये सब हम कर रहे हैं। मैं थोड़ा धूप से परेशान हो गया इसलिए हकला रहा। चलो गाइस, खिचड़ी के अंदर ये थोड़ी सी दवाई मिला देते हैं, इससे जो है जॉइंट्स अच्छे से बनेंगे और पानी कम रिसेगा। ये दवाई इतनी सी दवाई पड़े काम की। ठेके लेने लग जाऊंगा थोड़े दिनों के अंदर तो मैं कंस्ट्रक्शन के, तुम्हें रोड बनवानी हो, मकान बनवाना हो, लेटरिन बाथरूम आंगन फर्श कुछ भी बनवाना हो मुझसे संपर्क करें, चमन भाई ठेकेदार हमारे। रोड बनवानी हो, बिल्डिंग बनवानी हो। अब वो मैंने बोल दिया कुछ और नया क्या बचाई गया, बाकी बचाई गया। तो गाइस जो अपना कंक्रीट वाला काम है वो भी पूरा हो चुका है। अब क्या करेंगे? पहले सर इसके नाप होके अच्छा। और इसकी गोलाई निकालेंगे। अच्छा पहले गोलाई होगी, गोलाई निकाल के फिर चुनाई होगी इसकी सर। तो गाइस अब शुरुआत करते हैं कारीगरों का काम है जो है गोलाई का आकार देते हैं पहले इसको। शाम भी हो गई है, सनसेट हो गया है, बहुत प्यारा नजारा आता है यहाँ पे क्योंकि थोड़ी सी शांति यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हैं कि हमारा जो तालाब का काम है वो बहुत हद तक हो गया, जो मेन काम था वो हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने कंक्रीट बिछा दी है और चारों तरफ बाउंड्री भी हो रही है। अभी जो ईंटों की पर्दी है वो यहाँ तक आएगी, देखो यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक आएगी और उसके बाद के अंदर इसके ऊपर भी अपन प्लास्टर करेंगे और उसके बाद में इसको 2-3 दिन सूखने देंगे, उसके बाद इसमें पानी भर देंगे। बाकी देखो गोला कितना अच्छा बना, बहुत ही प्यारा। चलो कल मिलते हैं सुबह। Day 2। तो गाइस यार कल रात को हमने क्या किया, हमने थोड़ी और मेहनत की और इस दीवार को यहाँ से यहाँ तक पूरी तरीके से चुनवा दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिनी आर्टिफिशियल पॉन्ड है वो अभी आधे से ज्यादा बनके तैयार हो चुका है। ये देखो अभी क्या करना है, इसको और ज्यादा मजबूत करना है, इसके अंदर प्लास्टर होगा ताकि जो पानी है वो रिसे ना, और इस दीवारों पे भी प्लास्टर करेंगे, इसके आसपास सफाई करेंगे और उसके बाद में इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। 2-3 दिन बाद हम इसके अंदर पानी भर सकते हैं। ओए अपने को है ना, ये जैसे ही प्लास्टर कंप्लीट हो बहुत सारे कांटे चाहिए ताकि इसके चारों तरफ अपन कांटों की बाड़ कर सके, वरना क्या होगा जानवर इसके अंदर आएंगे और प्लास्टर खराब कर देंगे पहले ही, समझ गए। तो जितनी तरफ भी सूखे कांटे वो अपने को लेके आना है ना। ओके। और गाइस आज जो है बुधवार है तो गणपति बाबा का वार है, तो मैं थोड़ा मंदिर जाके आ रहा हूँ है ना। ओके भाई, तब तक यहाँ पे आधे से ज्यादा प्लास्टर हो जाएगा, इसके अंदर इतने ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत पड़ेगी तो जल्दी आ जाएंगे अपन है ना। शोरों से चल रहा है, अभी प्लास्टर चल रहा है और अभी पेंदा मजबूत करेंगे और बाकी काम हो रहा है। Day 3। गाइस ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, तो आप सुन पाएंगे कि आसपास कितने सारे पक्षी हैं, कितनी सारी चिड़ियाएं हैं जो कि चहचहा रही है। शांति से आराम से सुनो, देखो दूर दूर से आवाज आ रही है गाइस, इधर से आ रही है, इसका मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे पक्षियों को पानी पीने को मिलेगा यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हैं कि हमने जो है इसका लगभग काम कंप्लीट कर दिया है, हमारा जो आर्टिफिशियल पॉन्ड है वो बनके तैयार हो चुका है। आ जाओ अंदर आ जाओ, तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग पक भी चुका है, बस इसे हमें 2 दिन और पकाना होगा ताकि ये मजबूत हो जाए और इसके अंदर पानी रिसे ना, क्योंकि एक चीज़ और है कि ये मजबूत अगर नहीं होगा तो कोई भी गाय भैंस या कोई भी अगर इसके अंदर आएगा वो चलेगा, तो उनके वजन से ये टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, इसीलिए हमें बस 2 दिन का वेट करना है। बाकी आप इसकी हाइट देख सकते हैं कि इतनी है, ज़मीन से भी थोड़ा सा ऊपर है ताकि पानी गंदा ना हो। बाकी आप देखो बहुत बड़ा है गाइस, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए होगा
और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा महंगा प्रोजेक्ट भी है, क्योंकि गर्मियों तक हमें इसे फिलअप करता रहना होगा। एक जो टैंकर है उसकी कीमत होती है 500 रुपये, इसके अंदर लगभग 4 से 5 टैंकर आएंगे, तब आप सोच सकते हैं कि ये कितना महंगा प्रोजेक्ट है। खैर कोई बात नहीं यार, इतना तो हम कर ही सकते हैं। चलो ये जब सूख जाएगा तब इसके अंदर पानी भरते हैं। गाइस मोटा जो है कंक्रीट का एक और ट्रैक्टर ले आया है, वहाँ पे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या जरूरत है। गाइस आपने वो कहानी सुनी है अ थ्रस्टी क्रो, यानी कि एक प्यासा कौवा। तो गाइस यार उसके अंदर कौवा क्या करता है, मटके के अंदर पानी का लेवल कम होता है तो वो क्या करता है, एक एक पत्थर के टुकड़े वहाँ से बीनता है और मटके के अंदर गिराता जाता। उससे क्या होता है, जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे अब होना, यानी कि बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक ऐसी ही कलाकारी हम यहाँ पर भी करेंगे। एक्चुअली क्या है कि इसकी गहराई थोड़ी सी ज़्यादा है और बेस बनाने के लिए हमें इसकी गहराई रखनी भी थी। तो अब यहाँ पे क्या है कि जानवरों को यहाँ पे खड़े होकर ऐसे मुंह डाल के पानी पीने में दिक्कत हो सकती है अगर पानी का लेवल कम होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बेस तो बन गया है जिससे कि पानी रिसेगा नहीं, और अब इसके अंदर कौवे की तरह ही हम बहुत सारी कंक्रीट डालेंगे और उससे क्या होगा कि यहाँ तक तो कंक्रीट आ जाएगी, फिर धीरे धीरे पानी का जो लेवल है वो यहाँ तक आ जाएगा। तो इससे क्या है, जानवरों को पानी पीने में काफ़ी आसानी होगी। देखा वो कहानी उस टाइम पे सुनी थी, आज काम आ रही है। चल मोटे खाली कर। हमारे पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से काम जल्दी हो जाता है। साथ ही साथ इससे एक चीज़ का और फायदा होगा, ये जो चीज़ है इसके अंदर काफ़ी टाइम तक पानी भरा रहेगा, तो इसके अंदर एक कांजी होती है, मतलब कि एक इस तरीके का पदार्थ, इस तरीके क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में यार, जो भी आप समझ गए तो बोल देना, वो हो जाएगी। तो इससे क्या है कि फिसलने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, अगर कोई भी गाय कोई भी अगर इसके अंदर एंटर करती है, अगर वो फिसलती है तो उसको चोट लग सकती है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, जो फिसलन है वो काफ़ी कम हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक है, और बस इसी इसका ये फायदा है। तो गाइस यार फाइनली पूरे 7 दिनों की मेहनत के बाद हमने जो है जानवरों के लिए प्राइवेट पूल बना दिया है। ये देखो भाई काफी बड़ा है और जो जानवर हैं वो भी पानी पीने के लिए आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखो गाइस मेहनत रंग लाई ना गाइस, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी पूरा पानी भरा हुआ है। अबे छोड़। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये है असली खुशी, इंसान इंसान के काम आता है लेकिन कभी कभी इंसान को जानवरों के भी काम आना चाहिए, क्योंकि जानवरों के वजूद से ही इंसानों का वजूद है। समझने वाले समझ जाएंगे, फूड चेन। उसके अलावा भी कई सारी बातें होती है गाइस, बाकी आप देख सकते हैं कि अभी धीरे धीरे बाकी यहाँ के जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है धीरे धीरे उनको भी इस पूल के बारे में पता पड़ेगा, तो वो भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगे। गाइस सुबह सुबह के टाइम जब मैं आया और मैंने ऑब्जर्व किया, तब मैंने देखा कि बहुत सारी चिड़ियाएँ, बहुत सारे कबूतर, बहुत सारी गिलहरियाँ और बहुत सारे जानवर यहाँ पे आके पानी पीना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन गाइस यार हम उनका वीडियो शूट अभी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि मुझे नहीं लगता यार कि मैं उनको डिस्टर्ब करूँ और वीडियो शूटिंग के चक्कर में उनको ये जो उनकी पर्सनल वाइल्ड लाइफ है उन्हें कोई मतलब डिस्टर्बेंस करूँ, इसीलिए हमने उनका वीडियो नहीं लिया। ये जो पेट है आप देख सकते हैं, ये तो खैर पेट है और मैं पता नहीं क्या क्या बातें बोले जा रहा हूँ, बस मैं तो इतना कहूँगा कि हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल रहा है। और अंदर मैं जाके दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस ये इतना गहरा है और ये जो पूल है भाई इसका सबसे ज़्यादा मज़ा लेंगे डॉगीज। जी हाँ गाइस उनके लिए तो ये जन्नत है, मतलब आसपास के जितने भी वाइल्ड डॉगीज है जिनको मतलब कि लोग इधर उधर भगा देते हैं, हालांकि हमारे गांव में ऐसा नहीं है, हमारे गांव में एक नियम है कि रोज़ सुबह सुबह डॉगीज़ को रोटी दी जाती है, लेकिन फिर भी वो पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो मे भी उनके लिए ये जन्नत हो जाएगी। गर्मी के अंदर वो आके इसके अंदर आराम से इंजॉय करेंगे, पहली बार ऐसा आप सुनेंगे या फिर देखेंगे कि किसी ने किसी एनिमल्स के लिए प्राइवेट पूल बनाया। ये देखो कितने हैप्पी हैं, ये देखो कितने खुश हैं ये। थोड़ा सा हमें रचका भी मिल गया था, ये जो अभी ये एनिमल्स खा रहे हैं थोड़ा सा हमें रचका भी मिल गया था, तो वो भी हम लेके आ गए। देखो कितने प्यार से सभी एक दूसरे के साथ में रह के गाय बैल इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस यार
पर्सनली ऐसा कोई जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उनका एक अलग ही मजा आता है। हालांकि हमने दो बोर्ड भी लगा दिए हैं, एक बोर्ड उधर लगा दिया है, आ जाओ जल्दी आ जाओ, एक बोर्ड यहाँ पे लगा दिया है। आप बोर्ड पढ़ लीजिए, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ये जलाशय केवल जानवरों के लिए है, कृपया यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, इसे साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करें। तो बस आज के लिए बस इतना ही, हम सब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। बाकी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस प्रोजेक्ट को या फिर हमने जो किया है इसको देख के आपके मन में क्या ख्याल आते हैं या फिर इससे मतलब आपके मन में क्या चीज आती है, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, बोलना बोल बाबू बोल, मैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय राजस्थान। नाले बेटा नाले 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 नाले, ये शाबाश, तुम ना सकते हो, तुम्हारी लल्ला हुए। इतना गहरा नहीं है तो आराम से कोई भी इसके अंदर स्विम कर सकता है। खाओ पियो प्यास बुझाओ, बाय बाय यार, वीडियो वैसे ही लंबी हो गई है। बाय बाय, जय हिंद जय भारत जय राजस्थान।